और अब मैं चाहूंगा कि गीता की गैंग की दोनों जोड़ियां प्लीज मंच पर आ जाएं। चार में से एक जोड़ी डांस की कसौटी पर खरा नहीं उतर पाई, तो दूसरी को इंजरी होने की वजह से ये मंच छोड़कर जाना पड़ा। कंपटीशन के इस मोड़ पर सिर्फ दो जोड़ियों के साथ आइए देखते हैं गीता की गैंग का क्या कहना है। कंपटीशन बहुत टफ है, सब कंटेस्टेंट्स डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स कर रहे हैं। हमारे ग्रुप में और एक लड़का आर्थिक नीति है, ये लोग एलिमिनेट नहीं हुए हैं। आर्थिक की इंजरी के वजह से इनको और एक चांस दिया गया है, तो अब तक के लिए हमारे गीता माँ की टीम में एक ही एलिमिनेट हुआ है, वो है अभिनव और संगीता। हम ट्राई करें कि हम भी कुछ नया परफॉर्म करें, नया कुछ दिखाएं लोगों को कि लोग हमें पसंद करें और हम अच्छा एक्ट दे सकें। सब लोग अपना बेस्ट दे रहे हैं, राजीव सर भी बेस्ट दे रहे हैं, मर्जी सर भी बेस्ट दे रहे हैं, गीता माँ भी बेस्ट दे रहे हैं, तो सबके सब तीनों के तीनों बेस्ट है। सो इट्स नॉट गोना बी इजी फॉर एनीबॉडी, क्योंकि कोई ना कोई तो जाएगा, जीतेगा एक ही। सो दैट इज समथिंग दैट एवरीवन नीड्स टू रिमेंबर। तो नंबर्स रियली वोंट काउंट, ओनली दैट वन नंबर विल काउंट वेयर समवन कम्स नंबर वन। बस गीता, आप किन छह जोड़ियों को टॉप 8 जोड़ियों में देखना चाहती हैं? मैं डिप्लोमेटिक नहीं बनूंगी, ऑब्वियसली मैं चाहती हूं कि पृथ्वी और विवेक डेफिनेटली उस सुपर 8 में शामिल हों। मैं ये भी चाहूंगी कि कॉर्नेल और सोनाली, जो अब मेरे लिए ये जंग लड़ रहे हैं, ये दो जोड़ियां, मैं चाहूंगी कि ये सुपर 8 में डेफिनेटली शामिल हों। मैं ये भी चाहूंगी कि करण और कार्लिंग डेफिनेटली आगे जाएं, क्योंकि दे आर राजीव्स फाइटर्स नाउ, सो या दे डेफिनेटली डिजर्व टू बी इन द सुपर 8। मेरी तरफ से ये तीन हैं। मुझे लगता है मर्जी सर के मस्तानों में से डेफिनेटली दिस अमित एंड फैलन, दिस सूर्या एंड स्नेहा, कितने हुए गिन रहे? पांच। पांच ही हो गए, ओ डैम हो गया। और दादा और मैं टफ देंगे हम लोग, मैं बोल रही हूँ। राहुल एंड रोजा और सौरव और विवेक, इन दोनों में से आपके पास ऑप्शन है? आई थिंक क्योंकि सौरव और विवेक ने बार बार लगातार डांस की कसौटी पे अपना मेटल प्रूव किया है, आई थिंक दे डिजर्व टू बी इन द सुपर 8। थैंक यू मास्टर जी, थैंक यू सो मच। माँ से गीता, पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपकी टीम में सिर्फ दो ही जोड़ियाँ हैं, इसका मतलब ये है कि आज ये दोनों जोड़ियाँ डांस की कसौटी पर है। आप क्या कहना चाहेंगे इन्हें? मैं ये कहूँगी कि सीज़न 1 मैंने एक अकेले सोलो कंटेस्टेंट के साथ बिताई, मेरी हालत कुछ ऐसी ही थी जैसे आज राजीव सर की है, और वो बहुत दुख होता है जब आप जानते हो कि आपके पास एक ही बंदा है या एक जोड़ी है जो आपके लिए झगड़ा करेगा या फाइट करेगा या आगे बढ़ाएगा आपको। आई वॉन्ट बोथ ऑफ यूल बैक, तो प्लीज़ जाएं, अपना बेस्ट दें और प्लीज़ वापस आइए, मैं वो अकेलापन वापस नहीं महसूस करना चाहती हूँ। ऑल द बेस्ट।